गुड मर्निङ रक्सर्स, कस्तो छ? राम्रो छ या ठिक छ? नीचे कमेन्ट गरेर बताऊ. सो इट्स अ ब्रान्ड न्यू डे एन्ड वन्स अगेन अ ब्रान्ड न्यू एडभेन्चर बिगिन्स राइट फ्रम हियर. आज आपका 24th of February एन्ड राइट नाउ इट्स 11:56 इन द मर्निङ. और अगले 15-20 मिनटमा या फिर आधा घन्टेमा मैं यहाँ से पोखरा से निकलने वाला हूँ. माई लास्ट डे हियर इन पोखरा. एंड मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं मिस करने वाला हूँ पोखरा को. ये जो कुछ दिन मेरा गुजरा है यहाँ पे पोखरा में, बहुत ही अच्छा था. एंड आई विल डेफिनेटली मिस एंड चेरिश दिस डेज फॉर एवर. तो ये हो सकता है कि ये मेरा लास्ट डे है, बट देन डेफिनेटली मैं वापस से आने वाला हूँ पोखरा में और अपने चिरंदाई से जरूर मिलने वाले वापस. बहुत लॉन्ग टाइम रहा इधर. कितना 10 दिन हो चुके हैं ऑलमोस्ट, अगर पहले का भी पकड़ेंगे. देखते आपका ये खुद का ये कितना अच्छे बिजनेस है. ये यूट्यूब से पैसा थोड़ी ना आता है. पैसे ना आए थे कि हमें जैसे अच्छे अच्छे दोस्त मिलते. डेफिनेटली आपको बहुत मिस करेंगे दाई. हम भी मिस करेंगे, बहुत मिस करेंगे. सुबह सुबह जब मैं उठा था, उठने के साथ ही साथ आई चेक रॉकी और मुझे ये पता चला कि रॉकी का जो ये फॉग लैम्प, ये जो वायर है, ये वायर अपना टूट चुका है. इसका जुगाड़ लगाना होगा, देन फोन सेट भी एडजस्ट करना होगा. फिर जो मेरा साइड स्टैंड है, ये जो साइड स्टैंड भी हल्का सा बेंड हो चुका है. तो अभी जल्द से जल्द ये सब सामान जो है, राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, ये सब पहनना है. टैंक बैग के अंदर सब सामान घुसाना है. मोटो व्लॉगिंग सेटअप तैयार करना है. एंड देन आई विल बी ऑल सेट टू लीव फॉर काठमांडू. और वैसे मैंने अपना जितना भी सामान है, मेन लगेज है, वो सब मैंने निकाला नहीं है क्योंकि मुझे पता था सुबह सुबह मेरे को उठना है एंड उठने के साथ ही साथ मेरे को निकलना है. दो आई एम रनिंग अ बिट लेट, बट देन इट्स ओके. मेरा प्लान यही था कि रात में घुसना है काठमांडू. तो अभी ये सब समेटते हैं एंड देन लेट्स स्विच टू माय मोटो व्लॉगिंग सेटअप एंड देन लेट्स टॉक टू यू ऑल. सॉर्टेड. चलिए दाई. बाय. अरे हो. हाँ दाई. चलो मिलते हैं. 3 घंटा. 3 घंटे में नहीं, 6 घंटा. नहीं उतना जल्दी नहीं है, थोड़ा थोड़ा धीरे. अभी आराम से जाएंगे. हाँ, बुट में 8 घंटे लगने वाला रास्ता आप 4 घंटे में कम्प्लीट. हाँ, अभी विस्तारे जाएंगे. मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, अभी छोड़ के जाएंगे तभी घर जाके वापस से एक और नए ट्रिप के लिए प्लान कर सकता है. राइट नाउ इट्स 12:37 इन द आफ्टरनून और यहाँ से काठमांडू है 203 किलोमीटर. मैंने थामेल का लोकेशन डाला है, 6:20 बता रहा है. 6-7 घंटे में पहुंच जाएंगे आराम से. बाय जी. बाय दाई. बाय दाई. बाय. हाँ, पहुंच के कॉल कर देंगे. इतना अच्छा कनेक्शन बना लिया यहाँ पे, अभी सबसे मिलके जाना तो बनता है यार. आई एम लीविंग पोखरा टुडे ब्रो. नाइस ट्रिप. हाँ, थैंक यू भाई. अच्छे से जाएंगे. और अपना ध्यान रखो भाई. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू. कब आओगे आप? वी हैव टू टेक अ लेफ्ट फ्रॉम हियर. अभी तक मैंने आप सबको वेलकम भी नहीं किया यार. Alright, so let's welcome you all back to my channel. Hello everyone, welcome back to my channel, Rocky.
टुडे इज माय 21st डे हियर ऑफ माय राइड और आज मेरा ये 7वां एपिसोड मैं शूट कर रहा हूँ। बहुत ही दुख के साथ, दिल पे पत्थर रख के लिटरली मुझे अभी पोखरा को बाय बाय बोलना पड़ रहा है। अरे भाई मेरे, थोड़ा तो ध्यान दे। अरे 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 अरे, देख तो लो भाई। अभी सबसे पहले रिफ्यूलिंग कराते एंड देन आज का ये राइड स्टार्ट करते हैं। एंड एज यूजुअल अभी यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस चल रहा है 144.75, दैट इज़ अराउंड 10 रुपये कम है अभी भी इंडिया से, विच इज़ रियली अ नाइस थिंग। फुल देखो भाई, 2000 तक रखना, ठीक है? 2000 तक। अपने पास ज़्यादा कैश भी नहीं है भाई। यहाँ पे 2000 का नोट रखा हुआ है, ले लो। तो सी दो। यस यस भाई, रॉकी जरूर जरूर ये आएगा, देखना मेरा भी आएगा। हाँ जरूर आएगा। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राह पे। यहाँ पे मैंने देखा है कि सिग्नल्स नहीं होते यार। आपको यहाँ पे सिग्नल बहुत ही कम मिलेगा। और पोखरा में अगर आप ठहरोगे देन ट्राई करना लेक साइड के वहाँ पे रुकने के लिए। आप ये मत समझो कि नेपाल पहाड़ों के बीच में है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जैम नहीं होगा। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जैम मिलने वाला है, एंड स्पेशली काठमांडू तो बहुत ही ज़्यादा एक बिजी शहर है। कल मैंने मुस्टैंग से लौटते वक्त जैसे भगाया रॉकी को, ट्रस्ट मी, ये कोई और मोटरसाइकिल होता देन डेफिनेटली हो नहीं पाता, एक्सेप्ट हायर सेगमेंट मोटरसाइकिल्स या फिर सुपर बाइक्स आप पकड़ लो। इस सेगमेंट में मैंने बहुत सारे मोटरसाइकिल्स चलाए, लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्ट, मज़ा हिमालयन में ही आया। इंडियन त्रिपुरा अपने बहुत सारे रॉक स्टार्स हैं जिन्होंने आफ्टर वॉचिंग माई चैनल, आफ्टर सीइंग माई वीडियोज़, दे गॉट अ रॉयल एनफील्ड हिमालयन 2 एंड आई रियली फील गुड। हाउ इज शी गोइंग विदाउट द हेलमेट मैन इन दिस काइंड ऑफ रोड्स? एटलीस्ट स्किन के बारे में तो ख्याल कर लो बहन। नेपाल में आने से पहले आई कमिंग अप विद ऑफ रोडिंग टायर्स, मोटे मोटे ब्लॉक के टायर्स होने चाहिए, तब जाके आपको आसानी होगा, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाले। एंड द फन हैज ऑलरेडी बिगन। पहाड़ी रास्ता चालू हो चुका है और अपना मज़ा भी यहाँ पे चालू हो चुका है। इंटरेस्टिंग थिंग। भाई नमस्ते, ये कौन से जाति का मछली है? शहर लोहरी ना बता। हाँ शहर, शहर। और इस जगह का नाम क्या है? फिशलिंग। अच्छा, जगह का नाम ही फिशलिंग है। इसी नदी से पकड़ते हो? और कितने में बेचते हो आप? 700-800। 700-800 किलो? पूरा इसका प्राइस कितना होगा? फुल 5000। वाओ, नाउ आई रियली डोंट नो वेदर ही स्पीकिंग द ट्रूथ और नॉट, बट देन मैं आते वक्त मुझे बहुत सारी जगहों में ऐसे लोग दिखे मछली लेकर बैठे हुए थे, तो आई थॉट कि आप लोग को ये दिखाना चाहिए। यानी जितने भी सारे मछली आए सब इसी नदी से पकड़ा जाता है। काठमांडू और 100 किलोमीटर्स बता रहे हैं, जो कि ट्रेवल करने में पकड़ लो के
ढाई घंटा लगेगा। मैन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है बाइक चला के। आफ्टर ऑल ऐसे पहाड़ों के बीच में चलाना इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज वांटेड। लुक एट दिस लैंडस्केप्स, पूरा एक पेंटिंग की तरह दिखाई दे रहा है यार। ये वाला ब्रिज और नदी थोड़ा सा सोनापुर जैसा लग रहा है, सोनापुर मेघालय। ब्यूटीफुल माउंटेन रोड एंड्स एंड हम लोग अभी काठमांडू सिटी बस एंटर करने वाले। वी आर लाइक 8 to 10 kilometers अवे फ्रॉम द मेन सिटी ऑफ काठमांडू। इन द स्ट्रीट्स ऑफ काठमांडू विद Rocky and it feels great and इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं थामिल। Yes, we have entered थामिल and जो अपना हॉस्टल है, हॉस्टल का लोकेशन तो मैं भूल चुका हूँ। नो जी, पहुंच गए हॉस्टल। बाय बाय। और अभी टाइम हो रहा है 4:57। मैंने अंदाज़ा लगाया था कि 6:30-7 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन 5 बजे से पहले पहुंच गए। कल भी मैं इसी टाइम पे पहुंचा था पोखरा और आज भी मैं इसी टाइम पे पहुंचा हूँ काठमांडू। अभी ऊपर चल के बात करते हैं। आफ्टर राइडिंग फॉर ऑलमोस्ट 4 hours आई फाइनली मेड इट हियर इन काठमांडू, एट द सेम प्लेस जहाँ से मैंने अपना राइड स्टार्ट किया था। आफ्टर एंटरिंग नेपाल दिस वॉज द फर्स्ट प्लेस, दिस वॉज द वेरी फर्स्ट प्लेस जहाँ पे मैं आया था। एंड यहाँ पे अपना भाई नील दा और यहाँ पे हमारे दाई शिवा दाई, ये लोग इतना लेजी है ना, मतलब स्पेशली ये नील दा मेरे को बोल रहा था तू इतना जल्दी क्यों आया, थोड़ी देर बाद आता, मैं थोड़ा सो लेता आराम से। एनीवेज या इट वॉज अ फन राइड, सुपर फन क्रेजी राइड एंड मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करने वालों पोखरा को। इन द स्ट्रीट्स ऑफ काठमांडू अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, हमें हमेल क्यों ऐसे घूमना है? नहीं सौरभ भैया को घूमना नहीं है तुम्हें कुछ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थामिल कुछ सामान खरीदने अपने को। हमारे विवेक भैया जो है, विवेक भैया ऑलरेडी चले गए अभी से मिलने और बस चीज चीज ब्रो। इसने सोचा था कि काठमांडू के सड़कों में केला खाते खाते जाएंगे। ऑलराइट, सो टाइम अपडेट, इट्स 1:15। तो रात के अभी 1:15 हो रहे हैं एंड आई जस्ट केम बैक टू माई रूम। शाम को बस गए थे थोड़ा मार्केट घूमने के लिए, थोड़ा बहुत बाहर खाया हुआ है, देन वी केम बैक टू आवर हॉस्टल। अभी रात के 1 बजे तक हम लोग सिर्फ नीचे बैठ के अड्डा मार रहे थे, ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने लायक। एंड काठमांडू पहुँच चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों तक मैं काठमांडू में रहने वाला हूँ, होपफुली 1 हफ्ता और रहने वाला हूँ। एटलीस्ट मार्च के 1-2 तारीख तक मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आई विल गेट बैक टू माई होम। सो दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फॉर episode number 7। आई रियली होप कि आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट ऑन इट एंड शेयर दिस व्लॉग विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो लेट्स कीप दिस व्लॉग टिल हियर, आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड सायोनारा। सी यू ऑल इन episode 8.